हेलो गाइस, आज मैं गेमिंग रिव्यू करूंगा GTA 5 रिडक्स मोड का सीव स्टफ 15 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो प्लीज़ यार बाकी के भी यार 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें, नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा उसे दबा दें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो अभी लैपटॉप का मोड है वो टर्बो मोड पे है, तो टर्बो मोड पे खेलेंगे। एंड जो गेम की सेटिंग्स है वो मैक्स सेटिंग्स है, मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स हैं, तो जितनी भी सेटिंग्स बढ़ सकती थी मैंने बढ़ा दी हैं, तो मैक्स सेटिंग्स है इस गेम की। एंड अभी TDP पावर जो है ना, TDP वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट पे है। 5 मिनट्स बाद हम TDP पावर को 15 पे कर देंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि TDP पावर कम करके हम टेम्परेचर को कैसे 80 से 85 डिग्री मैक्स कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो अभी डिफ़ॉल्ट पे है TDP पावर। एंड अभी मैक्स टेम्परेचर देखो 86 तक जा रहा है, बाकी अभी 5 मिनट खेलेंगे तो पता लग जाएगा कितना मैक्स जाता है। एंड फिर 5 मिनट्स बाद हम TDP पावर को 15 पे कर देंगे, फिर देखेंगे कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। एंड रूम टेम्परेचर है 31.9 डिग्री सेल्सियस। तो आप प्ले करते हैं। तो ये रिडक्स मोड का वर्जन है 1.8। लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा वीडियो का कैसे इंस्टॉल करना है। तो मक्खन की तरह चल रही है गेम। बहुत ही स्मूथ है, 87 मैक्स जा रहा है अब। एंड ये भी चेक कर लेंगे कि FPS ड्रॉप होते नहीं होते TDP पावर कम करने के बाद, जितना मुझे नॉलेज है हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि 3 GHz बहुत होता है गेम को चलाने के लिए। लेकिन हमारी TDP पावर 15 होगी तो 15 में 3.6 तक रहेगा, अभी 4 GHz तक मैक्स जाता है, तो गेम इतना यूटिलाइज नहीं कर रही, तभी फ्लक्चुएट हो रहा है 3.8 पे, 3.9 पे, 4 पे भी जा रहा है। CPU इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा क्योंकि ये CPU डिमांडिंग गेम तो नहीं है, ना ही GPU डिमांडिंग गेम है, मतलब पुरानी गेम हो गई है। तो अब कोई लेटेस्ट गेम में भी चेक करेंगे, ये ट्रिक तो नहीं है। तो 88 डिग्री मैक्स जा रहा है, 89 भी चले गया, तो मेरी यार गेम प्ले पे जज ना करना मुझे, क्योंकि मेरा फोकस रिव्यू पे है, गाड़ी चलाने पे नहीं है। मैं बस ध्यान मेरा ऊपर नंबरों पे है एंड कैमरे की तरफ है कि रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, एंड 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद चेंज भी नहीं करनी है। चलो 91 नेक्स्ट चले गया, 91 डिग्री मैक्स किया था अभी। अब कई लोग मेरी GTA 5 की वीडियो से कंपेयर ना कर लेना इसको, क्योंकि ये रिडॉक्स मोड है तो ग्राफिक्स रियलिस्टिक हो जाते हैं, इन्हेंस हो जाते हैं, तो FPS तो कम मिलेंगे ही थोड़े, उसमें 70-80 मिलते हैं, इसमें 50-60 मिल रहे हैं। ओ भाई चीट वाला बैठाया, लटक गया था। गाड़ी वैसे सीधी कर सकता था मैं, लेकिन जब मैं कहा छोड़ो नई मंगा लेते हैं, फ्री की तो है। इसको गिराएं इसको बाहर पहाड़ से नीचे गिराएं, अरे पहाड़ था ही नहीं, वो छोटा है। एंड GPU यूज भी बढ़ गई हुई है ये करने के बाद, मतलब ये रेडॉक्स मोड डालने के बाद।
मिस्टर बीन की याद आ गई मुझे, उसमें जो होती है ना ब्लू कार, सिंगल टायर वाली आगे, ऑटो वाले टायर वाली, दो पीछे एक आगे, वो मिस्टर बीन धक्का मारता था आगे से, रिड़ जाती थी वैसे लग रहा है। अरे डूब गए, पानी में मंगा के देखे, आ गई पानी में। तो मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब बढ़ा नहीं रहा, कम कर रहा हूँ, तो टीडीपी पावर को कर रहा हूँ 15। अब देखना टेम्परेचर, अभी जब मैक्स टेम्परेचर गया था डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे, वो गया था 91। अब देखते हैं, अब धीरे धीरे क्लॉक स्पीड कम हो गई। अरे निकल गई, तो अब चेक करना कि FPS ड्रॉप हुए नहीं हुए क्लॉक स्पीड कम करने के बाद। एक बार देख लेना, अप्लाई हो गया था ना, तो ठीक है, ये 15 पे ही है। क्लॉक स्पीड कम नहीं हुई, लेकिन टेम्परेचर जरूर कम हो गया। हाँ अब वही है क्लॉक स्पीड, मतलब फ्लक्चुएट हो जाती है, मतलब अभी 4 GHz पे चल जा रहा है, लेकिन फ्लक्चुएट हो रहा है। तो टेम्परेचर देखो 80 से नीचे ही आ गए, कहाँ 91 मैक्स जा रहा था। भाई कहाँ चला रहा हूँ, रोड पे लेके जाता हूँ। सलमान भाई ना बोलना। टेम्परेचर्स आर वेरी ओपी, 81 गया था मैक्स। अब देखना क्या करूँगा मैं, पेट्रोल पंप उड़ाने वाला हूँ। भाई गाड़ी ही बेकार है, गाड़ी दूसरी लाऊँ मैं। गाड़ी मुड़ गई, जो फिन करना था वो तो हुआ ही नहीं, वो 3.5 पे भी आ गया। मैं ही मर जाऊंगा। भाई ये पेट्रोल पंप पे मारना था मैंने, बची नहीं। वो लॉजिक देखो, टायर के नीचे से आ, पेट्रोल पंप पे मारना था, निशाना नहीं लगा। चल बह जा, ओ भाई खम्बा है यहाँ पे, तो खम्बे ने बचा लिया। खंबा टूटने नहीं वाला, वही लाल कलर की आ गई, सामने से लाके मारना पड़ेगा। चलो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।